जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियो लाडलो लाडलियो, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, एसएससीजीडी की भर्ती आ गई, आप सबको पता, 26,146 पदों पर, और ये पोस्टें और भी बढ़ जाएगी, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज मैंने कई ऐसे कमेंट देखे हैं, कई बच्चे फॉरम भरने जा रहे, तो उनमें से किसी बच्चे ने पूछा है कि सर इनमें से कौन सी फर्स्ट चॉइस देता कि कम नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाए। आपके भी मन में आता होगा, क्योंकि एसएससीजीडी के द्वारा आप सबको पता है लगभग आपको 7 फोर्सेस इस बार मिली है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी और एनसीबी, ठीक है, सॉरी एनसीबी इस बार नहीं मिली, एनआईए मिली है। तो 6 और 1 7 फोर्स इस बार अलॉट हुई है। तो बच्चे कई हो कि आपके भी मन में आता होगा कि कौन सी हम फर्स्ट चॉइस दे ताकि हमारा कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस बार क्या हुआ, सीआईएसएफ में पोस्ट ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, 11,000 कुछ वैकेंसी है, तो ज्यादातर बच्चों की फर्स्ट चॉइस क्या रहने वाली है, सीआईएसएफ ही रहने वाली है। तो ये वो बच्चे पूछ रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा फर्स्ट चॉइस हम जो दिए अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम भर्ती से बाहर हो जाएंगे, लगता है ना ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही एक चीज और बता दूं लाडलो आप सबको कि जो भी बच्चे एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एसएससीजीडी की बुक चाहिए तो किरण पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, जिसमें 2019 से लेकर 2023 के सोल्ड पेपर है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और हिंदी, ये बुक्स आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूं, अभी इन्होंने 40% ऑफ भी दे रखा है, तो आप ये बुक्स ले सकते हैं एसएससीजीडी के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट चॉइस दो और अगर वो नहीं मिली तो आप भर्ती से बाहर जाओगे, नहीं, एसएससीजीडी सबसे पहले एक कट ऑफ बना देती है कि हाँ, जैसे मान के चलो 160 नंबर का पेपर होता है, हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार का आरक्षण होता है, एसएससीजीडी में बहुत आरक्षण जुड़ते, ध्यान रखना, सबसे पहला आरक्षण होता है स्टेट, समझ गए, हर एक स्टेट की अलग अलग मेरिट आएगी। स्टेट में भी क्या होता है, स्टेट में भी अलग अलग तीन आरक्षण होते हैं, कौन सा, एक तो जिला, जिला में कैसे, जिले में जैसे तीन हिस्से होते हैं, नक्सल जिला, यानी नक्सल डिस्ट्रिक्ट की अलग मेरिट आएगी, बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनकी अलग आएगी, और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट होते हैं सामान्य जो जिले होते हैं उनकी अलग मेरिट आती है, ठीक है। फिर आता है आपका कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज कैसे, जैसे बॉयज और गर्ल, इनकी अलग अलग कट ऑफ बनेगी, समझ गए बात को। और फिर रहता है और कैटेगरी, जो आपकी कास्ट कैटेगरी है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के अलग अलग आरक्षण जुड़ जाते हैं एसएससीजीडी में। यानी सीआईएसएफ पर हो सकता है किसी राज्य में जैसे 160 में से कोई 100 नंबर लाए तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, और कई राज्य में अगर आप 140 नंबर लाते हो तो भी आपको सीआईएसएफ नहीं मिलती है। ये क्यों नहीं मिलती है, ये पोस्ट ऑफ वैकेंसी जैसे डिवाइड की जाती है उसके कारण, हर एक राज्य की, जैसे अभी 26,146 पोस्ट आई ना, इनको डिवाइड किया हुआ है कि राजस्थान में इनमें से 3,000 वैकेंसी, हरियाणा में 2,000, ऐसे अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो इसलिए मान के चलो यूपी है, मान लो काफी बड़ा राज्य है, अब यहां पर सीआईएसएफ की मान के चलो यूपी में पोस्ट आई है 2,000, यहां मैक्सिमम बच्चे सीआईएसएफ को फर्स्ट चॉइस देंगे, तो यहां पर 140 वाले का भी सीआईएसएफ नहीं मिलेगी। जैसे मान के चलो केरल, वहां पर 80 नंबर वाले को भी सीआईएसएफ मिल जाएगी, समझ गए। तो सबसे पहले एसएससीजीडी में क्या होता है, लाडलो ध्यान से देखना, एसएससीजीडी में सबसे पहले कट ऑफ आती है, कट ऑफ आ जाती है जैसे अलग अलग राज्य की, जैसे मान लो राजस्थान की अलग आ गई, सभी राज्य की फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ऐसे ही फिजिकल के समय आएगी, ऐसे ही मेडिकल के समय आएगी, और ऐसे ही फाइनल कट ऑफ आएगी, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरल हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, जैसे राजस्थान से कट ऑफ आ गई 78% ओबीसी की, ठीक है, या अलग अलग कैटेगरी जो जो कट ऑफ आ गई, अब मान के चलो आपके 78% आ रहा ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको दी हुई फोर्सेस में कोई ना कोई फोर्स पक्का मिलेगी, अब भर्ती से बाहर नहीं होगे कि अगर आपको सीआईएसएफ नहीं मिली तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे, नहीं। अगर आपके 78% है ओबीसी की कट ऑफ आ गई कि हाँ 78% वाले सभी ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, तो वो सभी का होगा, हो सकता है कि आपकी फर्स्ट चॉइस ना मिले, फर्स्ट चॉइस के लिए मेरिट 78 की बजाय ओबीसी की 84% गई हो, समझ गए बात को, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ आएगी, उससे ऊपर जिन भी बच्चों के नंबर रहेंगे उनको कोई ना कोई फोर्स मिल जाएगी। तो आपको फर्स्ट चॉइस ये सोच के नहीं भरना है कि मुझे ये नहीं मिली तो क्या होगा, ये नहीं सोचना, आपको क्या सोचना, फर्स्ट चॉइस में सबसे बेस्ट फोर्स आपको लगे वो फर्स्ट चॉइस भरना, और सबसे बेस्ट फोर्स कौन सी है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए, सबसे फर्स्ट चॉइस लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग बनाया हुआ है, आप देख लीजिए उसको, फिर आप डिसाइड करिए कि ये मुझे अच्छी लगती है फोर्स और इसका मुझे फॉर्म
भरना है। समझ गए बात को, आप बाहर नहीं होगे और ना ही ये सोचना है कि कम नंबर पे किस फोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं वो आपको नहीं पता कि कम नंबर पे किस फोर्स में सिलेक्शन होगा। अगर आपके टॉप नंबर रहे तो आपको पता रहेगा कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट चॉइस पर होगा, लेकिन कम रहा तो आपको साथ में से कोई सी भी फोर्स मिल सकती है जिसमें पोस्ट ऑफ वैकेंसी खाली रहेगी। समझ गए बात को, समझ में क्लियर भाई? और कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वो भी क्लियर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत लाडली।